एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच बदलापुर रेलवे स्टेशन की ताजा तस्वीर सामने आ रही है। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर से खुश शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी हैं और एनकाउंटर पर खुशी जाहिर की है। ये वही जगह है जहां पिछले महीने लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया था और बदलापुर के गुनहगार को सजाए मौत देने की मांग की थी। आज उसी रेलवे स्टेशन पर खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर अक्षय का परिवार और महाराष्ट्र का विपक्षी पार्टियों का आक्रोश सामने आ रहा है। तो अक्षय के एनकाउंटर पर लोगों ने खुशी जाहिर की है। ये वही लोग हैं जो सजाए मौत की मांग कर रहे थे, वहीं विपक्षी दल अक्षय के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। दो नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण का आरोपी अक्षय शिंदे, उसके एनकाउंटर पर बदलापुर में रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखिए। स्कूल में जो अत्याचार किया था दो बच्ची के ऊपर, उसका प्रायश्चित उसको मिल चुका है। भगवान ने भी उसको जो कृत्य करना के लिए लगाया, जो हमारे पुलिस अधिकारी मोरे साहब है, उसका ही सर्विस रिवॉल्वर निकाल के उसने उनके ऊपर फायर करने की कोशिश की थी। उसमें से एक गोली मोरे साहब को लग गई, लेकिन मोरे साहब ने डरते हुए नहीं, उनके सपने में ऐसा आया रखा कि एक नरद आपने एक बदलापुर के हमारे बच्चे के ऊपर पर अत्याचार किया था, उसके लिए उसने उसके सर्विस रिवॉल्वर से उसको 3 गोली फायर करके उसका खत्मा किया। और अक्षय के एनकाउंटर को लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं, ये आपको दिखाए थे। तालोजा जेल से बदलापुर ले जा रही थी पुलिस, इसी दौरान एनकाउंटर किया गया। पत्नी की तरफ से केस में होनी थी पूछताछ। वैन में अक्षय ने पुलिस वाले की रिवॉल्वर छीनी, ऐसा कहा जा रहा है, और पुलिस वैन में पुलिस वाले पर अक्षय ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस वाले पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद अक्षय की फायरिंग में एपीआई नीलेश मोरे जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अक्षय को गोली लगी और जख्मी अक्षय को जब थाने के कलवा अस्पताल ले जाया गया, वहां अस्पताल में अक्षय शिंदे की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से नवी मुंबई की दूरी लगभग 1300 किलोमीटर है, लेकिन इतने दूर होकर भी कल दोनों इलाके दो अलग अलग एनकाउंटर को लेकर सुर्खियों में आ गए। उन्नाव में कल सुबह सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ और शाम ढलने के बाद नवी मुंबई से बदलापुर नाबालिग यौन शोषण केस के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर आई। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बता रहे हैं। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है, और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है। बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब। सुना आपने, बदलापुर में दो बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपी अक्षय शिंदे को रिमांड पर लेने के बाद पुलिस तलोजा जेल से लेकर निकली। इसे मुंब्रा बाईपास पहुंची ही थी कि पुलिस के मुताबिक उसने पुलिस की जीप में एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीन लिया और गोली चला दी। फायरिंग में दो पुलिस वाले घायल हो गए। जवाबी फायरिंग में अक्षय शिंदे को गोली लगी, बाद में अक्षय शिंदे की अस्पताल में मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनकर थाने के कलवा अस्पताल पहुंची अक्षय की मां अलका शिंदे ने पुलिस को बेटे को फर्जी एनकाउंटर में मारने का आरोप लगाया। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसने फायरिंग किया कर, वो बच्चा पटाखड़ी जलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा, कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए कुछ जीने का नहीं, हम लोग को मरने का है, हम लोग को मरने का बस, वो बच्चे को उसका न्याय दिला दो बस। अलका शिंदे का आरोप है कि जेल में अक्षय की पिटाई भी हुई थी। पुलिस वाले ने मार दिया, पुलिस वाले को कोई पैसा दिया रहेगा मेरे बच्चों को मारने के लिए,
नहीं, ये पूरा न्याय होना मांगता मेरा बच्चे पे, तभी मैं बॉडी लेके जाएगा। मारा था उसको बहुत, गए सोमवार को बहुत मारा था उसको, पुलिस वाले ने मारा था। हाँ उसने बताया ये सोमवार को, नहीं ये सोमवार में मैं उसको बोला बाबा अभी मारा है कि कोई, नहीं बोला अभी नहीं मारा, गया सोमवार को बहुत मारा था बोलता है। याद कीजिए वो तारीख 20 अगस्त थाने के बदलापुर में बवाल मचा हुआ था। लोग रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे थे। मामला एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ यौन शोषण का था। इस बीच तीन शादी करने वाले अक्षय शिंदे की दूसरी पत्नी ने 18 सितंबर को उसके खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करवाई थी। इसी केस में कल उसे तालेजा जेल ले जाया जा रहा था। ये वही मुमरा बाईपास है। तलोजा जेल जो है वो नवी मुंबई के तलोजा इलाके में स्थित है और वहां से अक्षय शिंदे की कस्टडी लेकर थाने क्राइम ब्रांच के अफसर उसे एक दूसरे केस में, आपको बता दें कि अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार का जो मामला उसकी बीवी ने दर्ज कराया, मारपीट का मामला दर्ज कराया, उसमें क्राइम ब्रांच उसे हिरासत में ली थी और हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच जा रहे थे। बदलापुर कांड ने पूरे देश को आक्रोश से भर दिया था। मासूम बच्चियों से यौन शोषण करने वालों को फांसी पर लटकाने की मांग तक हुई। लेकिन आरोपी अक्षय का जिस तरह एनकाउंटर हुआ उसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। अब परिवार अक्षय के लिए इंसाफ मांग रहा है और विपक्ष भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहा है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सौरभ वक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उसी जगह से जुड़ गए हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ। सौरभ, बहुत सारे सवाल इस एनकाउंटर को लेकर उठ रहे हैं, कौन सी वो बातें हैं जो संदेह पैदा करती हैं और पुलिस जो बयान दे रही है साथ ही परिवार वाले जो कह रहे हैं उसमें किस तरीके से विरोधाभास है? जी देखिए, लगातार विपक्ष और जो परिवार आरोप लगा रही है तो ये बात समझ में आ रही है कि पुलिस पर और खास करके महाराष्ट्र सरकार पर काफी ज्यादा प्रेशर था इस केस को जल्दी निपटाने में। देखिए, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में भी देखा कि 20 तारीख को कैसे पूरे बदलापुर रेलवे स्टेशन पर रेल रोको किया गया था, पहली बार मुंबई लोकल 8 घंटे से ज्यादा रुकी हुई थी और उसके बाद यही लगातार फांसी की सजा देनी चाहिए आरोपी अक्षय शिंदे को, ये मांग चल रही थी। अब लगातार परिवार और जो अपोजिशन है उनसे ये गुहार लगाई जा रही थी कि कैसे ना कैसे जल्द से जल्द इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे लिया जाए और आरोपी अक्षय शिंदे को फांसी की सजा दी जाए, लेकिन ये प्रक्रिया उतनी आसान नहीं थी। अब यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट, इस जगह को आप समझिए, ये जो जगह है ये मुमरा बाईपास की जगह है। फिलहाल यहाँ पर आपको ट्रैफिक जरूर दिखेगा क्योंकि ये पीक आवर का समय है, लेकिन जब ये घटना हुई यहाँ पर आप देखिए कि कितना सुनसान इलाका है। ये जो बड़ा सा पहाड़ आप देख रहे हैं ये पहाड़ से कटकर ये रास्ता बना हुआ है क्योंकि ये बाईपास वाला रास्ता है। ज्यादातर यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ट्रक्स है वही चलती है और यहीं पर यह घटना हुई है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ पर आपको कहीं पर भी CCTV फुटेज या CCTV कैमरा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा और यही इन पहाड़ों से कटता हुआ ये जो मुमरा बाईपास है यहीं पर ये पूरी घटना हुई है और इसी घटना को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो सर्विस रिवॉल्वर थी नीलेश मोरी की, APA मोरे की, अगर वो लॉक क्यों नहीं थी ये सवाल पूछा जा रहा है। कैसे आरोपी अक्षय शिंदे ने उस रिवॉल्वर को छीना, रिवॉल्वर को छीनने के बाद अगर वो रिवॉल्वर लॉक नहीं थी तो लॉक क्यों नहीं थी, इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। फिर किस तरीके से फायरिंग हुई है और यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आपको बता दूं छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल है कलवा में, जहां पर अक्षय शिंदे को लाया गया और फिर नीलेश मोरे को एक जुपिटर हॉस्पिटल में लेके गया जो कि थाने में स्थित है। अब ये सवाल उठाया जा रहा है ऑपोजिशन के थ्रू, जो बाइट्स भी हमें मिल रही है उनके स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। इस मामले में SIT ने ना सिर्फ अक्षय शिंदे पर FIR दर्ज की थी लेकिन जो स्कूल प्रशासन है उन पर भी FIR दर्ज की थी। अक्षय शिंदे को तो गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन स्कूल प्रशासन जो इस मामले में पूरी कोताही बरती थी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। शिवसेना का यह कहना है कि कसाब को फांसी देने में भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया। विपक्ष ने शक जताया कि किसी गुनहगार को बचाने के लिए अक्षय को मारा गया। आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है।
हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है, ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी, मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस प्रकार से विवाद करना बहुत बात बड़ी लाजमी है कि अक्षय शिंदे कोई महात्मा नहीं था या कोई महापुरुष भी नहीं था। अक्षय शिंदे को बिल्कुल सजा होनी चाहिए और उसे फांसी भी होनी चाहिए, लेकिन फांसी होने के लिए एक जो कानूनन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत जाना पड़ेगा। हमारे देश का अहम दुश्मन कसाब के लिए भी, कसाब को फांसी पर चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर एक कानूनन प्रोसेस फॉलो की गई थी, तो अक्षय शिंदे के लिए भी वह प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अक्षय शिंदे के साथ और कुछ ऐसे कई लोग, कई सुराग जुड़े हो जो अभी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, आए नहीं है, या अक्षय शिंदे के एनकाउंटर के साथ वो वही के वही दब गया है। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। तो इसलिए एक बलात्कारी के लिए आंसू बहाने के बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हुई है, ऐसा मैं विपक्ष के सभी नेताओं के साथ से अपील करूंगा।